Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well. कल हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एंजाइम के फंक्शंस पढ़े थे एंजाइम्स के. उनमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था जी? हमने ये पढ़ा था, एंजाइम्स प्ले अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ. फॉलोइंग इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं जो वो परफॉर्म कर रहे होते हैं. डिक्रीज करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है ना. डाइजेशन में काम करते हैं, चीज़ मेकिंग में, स्वीटनर के तौर पे काम आते हैं, एज अ डिटर्जेंट, एज ड्रग, कैंसर ट्रीटमेंट में, क्योरिंग ऑफ डिजीज में, और ब्लड की क्लॉटिंग कैसे करनी है, अल्कोहलिक बेवरेजेस जो हैं, और मीट टेंडराइजिंग. इन सारी चीज़ों में बहुत अहम जो है वो पार्ट प्ले करते हैं एंजाइम्स. हमने पढ़ा था डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, हाउ दे डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट्स को दरकार होती है, ठीक है. वो जब तक नहीं रिएक्टेंट्स उस तक पहुंचेंगे, उसको अचीव करेंगे, तब तक प्रोडक्ट्स में तब्दीली नहीं हो सकते. तो जो एंजाइम्स हैं वो उस एक्टिवेशन एनर्जी को बेसिकली कम करते हैं, ताकि रिएक्टेंट्स जल्दी से रिएक्शन में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है. द डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोसीड द रिएक्शन इस तरह से. फिर था डाइजेशन. एंजाइम जो है बहुत अहम जो है अपना रोल प्ले करते हैं निज़ाम हजम में, जो आपका हाजमे का निज़ाम होता है उसमें. जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हम खाते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं. ये बिल्कुल सिंपल डिफ्यूजिबल मींस आपके मुंह के अंदर घुल मिल जाएं स्लाइवा के साथ और कन्वर्ट हो जाएं छोटे पार्टिकल्स में, और बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं. उनमें एग्जांपल आज की ट्रिप्सिन की, लाइपेज की, अमाइलेज, ये डाइजेशन में हेल्पफुल करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह पे एक्ट करते हैं लाइक दिस. फिर चीज मेकिंग में पढ़ा था, एंजाइम्स चीज बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं. उनमें एक एग्जांपल है रेनेट की, एक एंजाइम है जो चीज मेकिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होता है. चीज हमारी खाने पीने के मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल होती है और हम इसको खाते पीते भी हैं, ठीक है. फिर जी ये एज अ स्वीटनर भी यूज होता है. सुक्रोज आपके पास मेन कंपोनेंट है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना हुआ है सुक्रोज. एंजाइम आया इन्वर्टेज, उसने इन दोनों पे एक्ट किया, इस पे एक्ट किया और उसको तोड़ दिया, यहां से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर दिया, दो बन गए. तो ग्लूकोज सुक्रोज से 72% और फ्रुक्टोज 132% मोर स्वीट है, स्वीटर है देन सुक्रोज. तो एज अ स्वीटनर काम आता है, इन्वर्टर्स एज अ स्वीटनर भी यूज होता है. फिर है जी डिटर्जेंट. कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम्स हैं वो हीट स्टेबलाइजर होते हैं, हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं और एज ए डिटर्जेंट इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रोटीएजेस. प्रोटीएजेस कौन से हैं? जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है. कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम्स आर हीट स्टेबलाइजर एंड आर यूज्ड एज डिटर्जेंट. फॉर एग्जाम्पल प्रोटीएजेस बिल्कुल स्टेन को रिमूव कर देंगे और क्लीन कर देते हैं एंजाइम्स.
जी, एज अ ड्रग सम एंजाइम्स आर यूज्ड एज अ ड्रग इफ देयर इज एनी डिस्टरबेंस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं भी थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस आ रही है, डाइजेशन सही नहीं हो रही, तो एंजाइम्स एज अ ड्रग भी इस्तेमाल होते हैं। वो क्या करेंगे, वो तोड़ फोड़ को तेज कर देंगे, जो बिग मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, सिंपल मॉलिक्यूल्स और डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से वर्क करना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज हाउ एंजाइम्स आर यूज्ड एज अ ड्रग इफ देयर इज एनी डिस्टर्बेंस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर हमने पढ़ा कि कैंसर ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल एस्परजिनेस एक कॉम्पोनेंट होता है, प्रोटीन होता है एस्परजिनिन, एस्परजिन कैंसर सेल जो है उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होता है। उसके बगैर कैंसर सेल्स मजीद ग्रो नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई ये वाला एंजाइम एल एस्परजिनेज जो है वो जाएगा, एक्ट करेगा, उसको बनने नहीं देगा प्रोटीन को। इस तरह कैंसर सेल्स भी ग्रोथ रुक जाएगी कैंसर सेल्स की, ठीक है। इस तरह से एंजाइम्स कैंसर ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होते हैं। कौन से? एल एस्परजिनेज। फिर जी डिजीजेस मुख्तलिफ हैं, उनको क्योर करने के लिए रिकेट्स है, शॉर्टनिंग ऑफ बोन्स हो जाती हैं, तो कुछ ऐसे एसेंशियल एंजाइम्स दिए जाएंगे वो बोन्स के लिए अच्छे होंगे। जॉन्डिस यरकान होता है खुदा ना खास्ता, तो किसी को भी हो जाए उसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं एंजाइम्स। हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज इस्तेमाल होगा। लिवर प्रॉब्लम्स के लिए काइनेजेस इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये क्यूरिंग ऑफ डिजीजेस में भी इस्तेमाल होते हैं, खासतौर पर ये वाली डिजीजेस के लिए। फिर है बायोप्रोटीन थ्रोम्बिन, ये जाके ब्लड क्लॉटिंग कर देंगे। कहीं भी कोई भी इंजरी हुई है, ठीक है, जख्म है, खून बह रहा है, वहाँ जाएंगे ये प्रोटीन थ्रोम्बिन के साथ मिलके रिएक्शन को जल्दी से जल्दी प्रोसीड कराएंगे और ब्लड क्लॉट बना देंगे ताकि ब्लड लॉस ना हो। इस तरह से ब्लड सेल्स को बांध देंगे, क्लॉटिंग कर देंगे, ब्लड रुक जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन थ्रोम्बिन। अल्कोहलिक बेवरेजेस में भी इस्तेमाल होते हैं, शराब वगैरह बनाने में, ठीक है। फिर मीट टेंडराइजर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। मीट टेंडराइजर इसलिए की जाती है ताकि डाइजेशन जल्दी हो सके, उसको फैसिलिटेट किया जा सके। अब उसमें पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पपाइन है, ये एज अ मीट टेंडराइजर यूज़ होते हैं। इसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है जहाँ पर मीट की पैकेजिंग हो रही होती है ना, जिन इंडस्ट्रीज में, वहाँ पर इसमें मीट में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं ये एंजाइम्स। फिर उससे ये होता है, अब जल्दी जो कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर होते हैं वो मर मुर जाते हैं और आपकी खाने में जो है ये जब आप खाते हैं तो फिर आसानी से आपकी हजम हो जाते हैं। कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं आपके ये गोश्त वगैरह में जो जल्दी हजम नहीं होने देते चीज़ों को अगर आप खा लें, फिर इसलिए इनकी टेंडराइजिंग की जाती है लाइक दिस। ये हमने पढ़ा था जी कल फंक्शंस, आज हम पढ़ते हैं और चैप्टर को ख़त्म करते हैं। फाइटोएंजाइम्स, फाइटोएंजाइम्स क्या होते हैं? वी हैव स्टडीड अर्लियर दैट फाइटोएंजाइम्स आर दोज एंजाइम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्स। अब उसकी एग्जांपल कौन सी हैं? ब्रोमेलिन है और पपाइन है, ब्रोमेलिन एंड पपाइन। आज हम इनको अलग से पढ़ते हैं, व्हाट इज ब्रोमेलिन एंड व्हाट इज पपाइन। ब्रोमेलिन, ब्रोमेलिन का जी जो प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट नेम है, ब्रांड नेम, उसको एनानेस बोलते हैं, अनानास भी बोलते हैं अक्सर लोग। कंपोजिशन इसकी ये है, इट इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम है, मिल्क को भी क्लॉट कर देता है, जमाने वाला, क्लॉटिंग कर देगा मिल्क की। सोर्स इसका है कि ये ऑब्टेन होता है फ्रॉम जूस एंड स्टेम ऑफ पाइन एप्पल प्लांट अनानास कोमोसस। फैटी
फैमिली इसकी ब्रोमली ऐसी है, ये ब्रोमली ऐसी, ठीक। कंपोजिशन इसकी क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, मिल्क क्लोटिंग एंजाइम है, जूस और स्टेम जो है ना पाइनएप्पल का वहां से हासिल होता है। फैमिली इसकी ब्रोमेलिएसी है। प्रिपरेशन इसकी कैसे होती है, ये इंसीजन के थ्रू हासिल किया जाता है। इंसीजन हमने पढ़ा था टू कट एनी पार्ट डायरेक्टली शार्पली विद अ मार्जिन, मार्जिन पे रख के उसको काटना। इट इज ऑब्टेन बाय इंसीजन, बोथ राइप एंड अनराइप फ्रूट कैन बी यूज्ड। अब पका हुआ या पका हुआ नहीं भी है फ्रूट तो दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये जो पौधे का तना होता है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ प्लांट। इट इज ऑब्टेन्ड बाय इंसीजन, बोथ राइप एंड अनराइप फ्रूट कैन बी यूज्ड, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन स्टेम ऑफ द प्लांट। कलर इसका क्या होता है जी, येलोविश वाइट टू टैन पाउडर, हल्का पीले रंग से डार्क ब्राउनिश सा इसका रंग होता है। मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है अप्रोक्सीमेटली 33,000 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, काफी ज्यादा है। अब इसकी प्रॉपर्टीज यूजेस क्या है जी, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है, इन्फ्लेमेशन को मतलब जो भी जलन वगैरह हो रही है उसको रिड्यूस करती है, कम करती है। और एडिमा, एडिमा होता है फ्लूड का भर जाना कि बॉडी में कहीं पे भी, उसको कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर ये टिश्यू रिपेयर, टिश्यू डैमेज हो गया उसके रिपेयर को, उसको रिकवर करने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होता है। और प्रोटीन्स की ये प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। मीट को टेंडराइज ये भी करता है। लेदर की जो चमड़े की सनद है, इंडस्ट्री है, वहां पे भी इस्तेमाल हो रहा है। एंटीहिस्टामिन प्रॉपर्टीज है, एंटीहिस्टामिन प्रॉपर्टीज, एंटीहिस्टामिन हम पढ़ चुके हैं। हिस्टामिन क्या होता था, जो आपके मास्ट सेल होते हैं उसमें से एक रिलीज होता है एलर्जिक रिएक्शंस में, आप लोगों को याद आ जाना चाहिए, बड़ा हमने रिवाइज कर करके वो चैप्टर पढ़ा है। हिस्टामिन एक हार्मोन निकलता है और वो एलर्जिक रिएक्शंस देता है, तो उसके खिलाफ जो दवाइयां दी जाती हैं सिम्टम्स को रोकने के लिए या कम करने के लिए, उनको एंटीहिस्टामिन कहते हैं। तो उसमें भी एंटीहिस्टामिन प्रॉपर्टीज हैं, ब्रोमेलिन यूज होता है, राइट। देन इट हेल्प्स टू सपोर्ट नॉर्मल लेवल ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या नॉर्मल फंक्शन। रेस्पिरेटरी जो आपका ट्रैक्ट है जहां से हम सांस लेते हैं, लंग्स वगैरह, एलर्जी को रोकता है। तो यहां से हमें समझ आ गई कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको भी ये फंक्शंस को नॉर्मलाइज रखता है। क्या यूजेस पड़े हमने, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, एडिमा को रिड्यूस करता है, टिश्यू रिपेयर को बढ़ाता है, प्रोटीन्स की प्रोडक्शन भी करता है और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम भी है, मीट को टेंडराइज भी करता है, लेदर इंडस्ट्री में भी काम आता है, एंटीहिस्टामिन प्रॉपर्टीज हैं, मींस जो हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शंस शो कर रहे होते हैं, सिम्टम्स दे रहे होते हैं, लाइक कफ हो गई, स्नीजिंग हो गई, इस तरह की, कोल्ड हो गई, फ्लू हो गया, इन सारी चीजों के खिलाफ इन सिम्टम्स को कम करने के लिए ये इस्तेमाल होता है, एंटीहिस्टामिन प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर एंटीहिस्टामिन प्रॉपर्टीज हैं तो ये नॉर्मल रखेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के फंक्शंस को, सांस लेना, आपको खांसी को कम रखना, सांस लेना, नाक खुली रहना, इन सारी चीजों को नॉर्मल रखेगा। ये था जी ब्रोमेलिन। नेक्स्ट है पपाइन। व्हाट इज पपाइन, पपाइन को वेजिटेबल पेप्सिन भी कहते हैं और इसका नाम कैरोइड या पपेज उसके तौर पर भी इस्तेमाल होता है। सोर्स इसका है कि ये इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स रूट्स एंड लेटेक्स ऑफ फ्रूट ऑफ कैरिका पपाया। ये पत्तों से, जड़ों से और लेटेक्स से मिलता है किस प्लांट, फ्रूट के, कैरिका पपाया। फैमिलीज की कैरिकेसी है, कैरिकेसी, ये कैरिसिसी भी बोलते होंगे अक्सर लोग,
किन कैरी कैसी है। अकरेंस इसकी कहाँ कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में, श्रीलंका में, तंजानिया, हवाई, फ्लोरिडा। सोर्स इसका क्या है? लीव्स, रूट्स, लेटेक्स और फ्रूट ऑफ कैरिका पपाया। फैमिली इसकी है कैरिकेसी। पाया कहाँ जाता है? ये अमेरिका में, श्रीलंका में, तंजानिया में, हवाई में और फ्लोरिडा में। और इसको वेजिटेबल पेप्सिन, केरोइड और पपेज भी कहते हैं। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है? इसकी प्रिपरेशन होती है जी लॉन्गिट्यूडिनल इंसीजन, मतलब लेंथ वाइज इंसीजन। इसको कट करेंगे, अनराइप फ्रूट होगा ऑन फोर साइड्स व्हाइल द फ्रूट इज ऑन द ट्री। लेकिन फ्रूट होगा कहाँ पे? दरख्त पे लगा हुआ। चारों साइड्स पे एक पका हुआ फ्रूट नहीं होगा फुल तरह से, लेकिन उसकी लेंथ वाइज इंसीजन की जाएगी, काटा जाएगा उसको, और वही जो फल है वो दरख्त पे लगा हुआ होगा। जो लेटेक्स है, जूसी सा उसका लिक्विड, वो निकल आएगा, लेकिन कोगुलेट हो जाएगा जल्दी, मतलब क्लॉट हो जाएगा, जम जाएगा। जो कोगुलेटेड लम्स, उनको फिर ड्राई किया जाएगा और उनको प्योरीफाई किया जाएगा पपाए निकालने के लिए। इंसियंस आर मेड एंड कलेक्शन इज डन। इंसियन की जाती है, फिर कलेक्शन की जाती है। कब? एट इंटरवल्स ऑफ वीक, हफ्ते के वक्फे रख के, ठीक है ना, वक्फे वक्फे से एक हफ्ते में। एज लॉन्ग एज फ्रूट गेव लेटेक्स, जब तक फ्रूट लेटेक्स देता रहेगा तब तक हफ्ते में इंटरवल्स पे वक्फे के दौरान, वक्फे वक्फे से आप कलेक्शन और इंसियन करते रहेंगे, इंसियन करते रहेंगे, कलेक्शन करते रहेंगे, जब तक लेटेक्स निकल रहा है फल से आप उसको कलेक्ट करते रहेंगे, ड्राई करते रहेंगे, प्योरीफाई करते रहेंगे, पपाइन आपको हासिल होता रहेगा, ठीक है। कलर इसका एमॉर्फस लाइट व्हाइटिश कलर पाउडर, व्हाइटिश सा होता है कलर पाउडर, ठीक है, सफेद से लाइट सफेद, ऑफ व्हाइट कलर भी कह सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट इसका है प्योर क्रिस्टलिन हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 2100। प्योर क्रिस्टलिन मीन क्रिस्टल्स टाइप बना होता है और बिल्कुल व्हाइटिश कलर सा होता है, और 2100 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। सोल्युबिलिटी, इट इज इजिली सोल्यूबल इन वाटर, पानी में ये बहुत इजिली आसानी से सोल्यूबल है, लेकिन अल्कोहल में, ईथर में और एसीटोन में ये इनसोल्यूबल है। इसकी प्रॉपर्टीज अब क्या है? इट कंटेन्स फॉलोइंग एंजाइम्स। नंबर वन, पेप्टाइड्स, पेप्टाइडेज़ होंगे इसमें, क्लॉटिंग एंजाइम्स होंगे, क्लॉट करने वाले, ब्रोमेलिन में भी थे। अमाइलोलिटिक एंजाइम्स होंगे इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स वाली भी इसमें प्रॉपर्टीज होंगी। फैट एंजाइम्स भी होंगे, वेरी वीक लेकिन होंगे सही। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? पेप्टाइड्स हैं, क्लॉटिंग एंजाइम्स हैं, अमाइलोलिटिक एंजाइम्स हैं, फैट एंजाइम्स हैं, जो कि बहुत कम होते हैं। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं? एज प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, इसकी तोड़ फोड़ में, एज प्रोटियोलिटिक एंजाइम। फिर ये टेंडराइजिंग ऑफ मीट के लिए इस्तेमाल होता है इन मीट पैकिंग इंडस्ट्री, हमने पहले भी पढ़ा। टू रिलीव सिम्टम्स ऑफ एपिसियोटोमी, एपिसियोटोमी जो है वो एक फीमेल में एक सर्जिकल इंसीजन होती है, उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट की इंसीजन होती है, कटिंग होती है, उसमें भी उसके जो सिम्टम्स होते हैं ना उसको कम करने के लिए ये इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। प्रोटियोलिटिक एंजाइम के तौर पे इस्तेमाल होता है, टेंडराइजिंग मीट के लिए इस्तेमाल होता है, सिम्टम्स ऑफ
एपिसियटमी के लिए इस्तेमाल होता है. कंडेंसेशन ऑफ वल्वा फॉर ऑब्स्टेट्रिक पर्पस, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिवरी कोई इंसीजन होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है, उसके जो सिम्टम्स आएंगे उसके लिए सर्जिकल इंसीजन के बाद. ठीक है, चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया. हम इसको रिवाइज कर लेते हैं आज वाले लेक्चर को. ब्रोमेलिन, इसको अनानेज बोलते हैं. अनानेज कंपोजिशन इसकी है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम होता है, और ये जूस और स्टेम ऑफ पाइनएप्पल प्लांट एनानस कोमोसिस से पाया जाता है. फैमिली ब्रोमेलिएसी है. इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इंसीजन. बोथ राइप एंड अनराइप फ्रूट कैन बी यूज. इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन स्टेम ऑफ प्लांट. कलर इसका येलोविश वाइट टू टैन पाउडर होता है. मॉलिक्यूलर वेट इसका अप्रोक्सीमेटली 33,000 होता है. इन्फ्लेमेशन और एडिमा को रिड्यूस करता है. इंक्रीज टिश्यू रिपेयर एंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स. मीट को टेंडराइज करता है. लेदर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है. एंटीस्टामिन प्रॉपर्टीज होती हैं और नॉर्मल लेवल ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक को सपोर्ट करता है. पपाइन हमने पढ़ा. पपाइन वेजिटेबल पेप्सिन कहते हैं इसको. कैरोइड और पपेज को बोलते हैं. लीव्स रूट्स और लेटेक्स ऑफ फ्रूट ऑफ कैरिका पपाया से हासिल होता है. फैमिली इसकी कैरिकेसी है. अकरेंस इसकी अमेरिका, श्रीलंका, तंजानिया, हवाई, फ्लोरिडा में है. प्रिपरेशन इसकी लॉन्गिट्यूडिनल इंसीजन करते हैं. अनराइप फ्रूट होता है, टी पे लगा हुआ होता है, चारों साइड से इसकी इंसीजन की जाती है. लेटेक्स फ्लो होता है लेकिन कोगुलेट कर जाता है. उसी कोगुलेटेड लम्स को खुश किया जाता है और फिर प्योरीफाई करके पपाइन हासिल किया जाता है. इंसीजंस और कलेक्शन करते रहते हैं एट इंटरवल्स ऑफ वीक, जब तक फ्रूट आपको लेटेक्स देता रहेगा. कलर इसका मॉर्फस लाइट है, वाइटिश कलर पाउडर है. मोलिकुलर वेट इसका प्योर क्रिस्टलिन हैविंग मोलिकुलर वेट 2100 है, पिछले का 33,000 था. सोलिबिलिटी इसकी वाटर में है लेकिन इनसोल्युबल अल्कोहल, ईथर और एसीटोन में. प्रॉपर्टीज हैं कि ये पेप्टाइडेज होते हैं, क्लॉटिंग एंजाइम्स, अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स और फैट एंजाइम्स, बहुत कम अमाउंट में बट होते हैं. यूजेज इसके एज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम डाइजेस्टेंट फॉर प्रोटीन फॉर टेंडराइजिंग मीट इन मीट पैकिंग इंडस्ट्री टू रिलीव सिम्टम्स ऑफ एपिसियोटमी. ठीक है, सर्जिकल इंसीजन ऑफ वल्वा फॉर ऑब्स्टेट्रिक पर्पस. दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क. ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.